आज हम बात करेंगे आपके सेंगेन वीजा के लिए डमी टिकट्स कैसे बुक करना है। हमारी हाउ टू अप्लाई फॉर सेंगेन वीजा वीडियो में आप लोगों ने काफी सवाल पूछे थे, उसमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि आपकी फ्लाइट की टिकट्स कैसे बुक होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने कंफर्म टिकट बुक करी फॉर योर सेंगेन वीजा और फॉर एनी रीजन अगर वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पैसे डूबने के चांसेस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द 5 वेज जिससे आप कंफर्म टिकट नहीं बट एक डमी वैलिड टिकट बुक कर सकते हो, जो कि वीजा एम्बेसी गाइस चेक करेंगे तो आपके नाम का ही टिकट होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अब मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूं बिटवीन डमी टिकट एंड कंफर्म टिकट। सुनने में डमी टिकट लगता है कि ये एक फेक टिकट है, बट ऐसा नहीं है। डमी टिकट को रिजर्व टिकट भी बोला जाता है, एंड रिजर्व टिकट और कंफर्म टिकट में बस एक डिफरेंस है कि रिजर्व टिकट पे आप ट्रैवल नहीं कर सकते इवन दो वो टिकट आपके नाम पे होता है, एक वैलिड पीएनआर होता है। कंफर्म टिकट वो होता है जिसपे आप ट्रैवल कर सकते हो। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। वीजा के लिए आपको कंफर्म टिकट बुक करने की जरूरत नहीं है, आपको रिजर्व टिकट दिखाने की जरूरत होती है जो कि एक वैलिड पीएनआर टिकट होता है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इन बुकिंग डमी टिकट इज दैट यू गो ऑनलाइन, एंड वहां पे आप जब गूगल में सर्च करोगे डमी टिकट बुकिंग तो आपको काफी सारी साइट्स आ जाएंगी। ये साइट्स बेसिकली क्या करती हैं कि ये आपके बिहाफ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन डिटेल्स, कब आपको ट्रैवल करना है, कहां जाना है, उसके अकॉर्डिंग जब आप एंटर करते हो एंड देयर इज अ नॉमिनल फी दैट यू पे, एंड उसके बाद आपको एक प्रॉपर टिकट आता है अलॉन्ग विथ अ पीएनआर एंड टिकट बुकिंग रेफरेंस नंबर। ये बेसिकली क्या करते हैं, बैकएंड में ये फ्लाइट के थ्रू एक आपका जो टिकट है वो होल्ड पे रखते हैं, जो कि यूजुअली 72 आवर्स से लेके विच इज लाइक 3 डेज से लेके एज हाई एज 2 वीक्स तक हो सकता है, जो कि टिपिकली आपके 2 वीक में सेंगेन वीजा की प्रोसेसिंग हो जाती है। सो अब सवाल ये आता है कि ऑफ ऑल द साइट्स कौन सी साइट ऐसी है जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो जो कि अच्छी है। हमने वो रिसर्च आपके लिए करी है और हमें जो समझ में आया है उसके अकॉर्डिंग एक dummytickets.com करके एक साइट है, ये अच्छी साइट है। वो ये क्या करती है कि ये आपको रफली अराउंड 10 यूरोस विच इज अराउंड 1000 रुपीज के आसपास में आप किसी भी सेक्टर के टिकट बुक कर सकते हो। आप बता सकते हो कि कहां से आपको कहां जाना है, एंड ये क्या करते हैं, जेन्युइन जो फ्लाइट होती है जो रूट पे चल रही होती है उसकी फ्लाइट बुकिंग फॉर द डेट दैट यू वॉन्ट वो रिटर्न टिकट आपको देते हैं, एंड इसकी वैलिडिटी अराउंड 2 वीक्स की होती है। चाहो तो आप इसके बियॉन्ड भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दैट थोड़ा सा आपका चार्जेस ऊपर नीचे होता है, बट ये काफ़ी जेन्युइन तरीका है टू गेट योर डमी टिकट्स। सो डमी टिकट्स डॉट कॉम का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, गो चेक इट आउट। जो सेकेंड ऑप्शन है वो भी एक काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन है, और इस केस में आप डायरेक्टली जो वेबसाइट होती है, एयरलाइंस की वेबसाइट होती है, वहाँ से आप बुक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एमिरेट्स की साइड हो गई, ब्रिटिश एयरवेज की साइड हो गई, इन सब पे जब जाते हो और आप अपनी टिकट सेलेक्ट करते हो, बेसिकली जैसे आपको दिल्ली से पेरिस जाना है, राइट, तो आपने दिल्ली से पेरिस की फ्लाइट ये चेक करी किस डेट पे आपको जाना है, किस डेट पे रिटर्न होना है, आपने सारा इन्फॉर्मेशन फिल करा, और आप क्या देखोगे जब आप पेमेंट पेज पे पहुंचते हो तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है होल्ड द फेयर फॉर 72 आवर्स। यस, आप 3 दिन तक वैलिड टिकट के रिजर्व कर सकते हो। इसमें एक कैच बस ये है कि ये जो 72 आवर्स है वो सिर्फ 3 दिन की वैलिडिटी है। सो अगर आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम 3 दिन से ज़्यादा होगी तो आपका वो टिकट काइंड ऑफ नल हो जाता है। बेसिकली अगर वो एम्बेसी वाले चेक करना चाहें आफ्टर 3 डेज आपके पीएनआर से कि वेदर ये पीएनआर वैलिड है या नहीं है, तो उस केस में इनवैलिड आएगा। सो ये ऑप्शन आप तब यूज़ करना जब आपको श्योर शॉट पता है कि आपको 3 दिन में वीज़ा मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन भी काफ़ी किफ़ायती होता है, क्योंकि ये भी रफली अराउंड 1000 रुपीज़ के आसपास ही चार्ज करते हैं टू होल्ड योर वीज़ा। अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आप ये टिकट को अगर 72 आवर्स के विदिन आप अमाउंट फुल अमाउंट पे करते हो तो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू योर कंफर्म टिकट जिसपे आप ट्रैवल भी कर सकते हो। सो इस केस में आपको रिफंडेबल टिकट जो है, रिफंड टिकट है, वो कंफर्म टिकट में कन्वर्ट हो जाती है। जो थर्ड ऑप्शन है जो यूजली हम ट्राई करते हैं और जो हम यूज़ करते हैं वो है रिफंडेबल टिकट बुक करना। यस, आप नॉर्मल किसी भी मेक माई ट्रिप यात्रा कहीं से भी आप बुक कर सकते हो। ये जो टिकट होती है ये रिफंडेबल टिकट आपने चूज़ करनी है, सेलेक्ट करनी है, जो थोड़ा सा 1 या 2 हज़ार के आसपास महंगा होता है, बट इसकी अच्छी बात यह होती है कि आप इसको कभी भी कैंसिल कर सकते हो, यूजुअली 24 आवर्स बिफोर द ट्रैवल टाइम। सो उसमें अगर लेट्स से फॉर एनी रीजन अगर वीजा रिजेक्ट होता है तो आप इस टिकट को कैंसिल कर सकते हो एंड रिमेनिंग अमाउंट आपको वापस मिल जाता है बारिंग द कैंसिलेशन फी। सो ये भी एक ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हो, एंड ये बिकॉज ये एक्चुअल में कंफर्म टिकट ही होती है सो इसमें आपकी वैलिडिटी की है एंड ये सब चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट यस, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। जो नेक्स्ट 2 ऑप्शंस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो वैसे तो फ्री है, उसमें आपको 0 रुपीज़ देना होता है, एंड ये कभी कभी वर्क भी करता है बट ये शेडी भी है एट द सेम टाइम।
सो जो फोर्थ ऑप्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है ऑनलाइन आप टिकट जनरेटर करके, अगर आप सर्च करोगे फ्लाइट टिकट जनरेटर तो आपको काफ़ी वेबसाइट मिल जाएंगी जो कि आपको बेसिकली एक पीडीएफ फॉर्म में जैसे टिकट होती है वैसे ही वो बना के देते हैं, और उसमें जैसे पीएनआर और बुकिंग रेफरेंस वगैरह रैंडम नंबर होता है, बट आपकी डिटेल्स आपने जो प्रोवाइड करी होती हैं उसके बेसिस पे वो एक आपको टिकट जनरेट करके दे देते हैं। नाउ इसमें रिस्क ये है कि अगर आप ये फ्लाइट की टिकट का प्रिंटआउट अगर एम्बेसी में अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए, तो अगर खुदा न खास्ता अगर वीज़ा वालों ने चेक कर लिया कि वेदर ये टिकट वैलिड है नहीं है, तो ऑब्वियसली बिकॉज ये फेक है तो वैलिड नहीं होगा एंड इट माइट गो अगेंस्ट योर वीज़ा डिसीजन। सो ये आप थोड़ा सोच समझ के करना। देयर आर सम पीपल दैट वी नो जिन्होंने यूज़ किया है एंड उनका वीज़ा सक्सेसफुल भी हुआ है, बट यूजली वी विल नॉट रिकमेंड दिस। एंड जो फिफ्थ ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन का एक्सटेंशन ही है। इसमें आपको बेसिकली ऑनलाइन आप टिकट जनरेट नहीं करते हो, बट लेट्स से अगर आपके पास पीडीएफ एडिटर है एंड आपकी कोई प्रीवियस टिकट है, तो आप क्या करते हो, आप बस पीडीएफ एडिटर में जाके अपना डिस्क्रिप्शन बेसिकली फ्लाइट का नंबर डेट ऑफ ट्रैवल एक्सेट्रा चेंज करते हो, और अगेन यहाँ पर पीएनआर और टिकट बुकिंग रेफरेंस नंबर कुछ भी रैंडम डालते हो। इसमें भी वही रिस्क है जो कि फोर्थ वाले ऑप्शन में रिस्क है, क्योंकि ये वैलिड टिकट नहीं है तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी और इसका कोई रेफरेंस भी नहीं होगा, तो अगर वीज़ा वालों ने अगर कुछ चेक कर लिया तो दिस ऑल्सो इज लाइक इनवैलिड टिकट। तो इसमें भी आपका वही रिस्क है कि इफ दे चेक इट इट माइट गो अगेंस्ट यू, वीज़ा आपको रिफ्यूज हो सकता है, बट अगर मान लो उन्होंने चेक नहीं किया तो फिर तो मतलब इट्स ओके, आई मीन जीरो बुकिंग फी में आपने अपना वीज़ा प्रोसेस करवा लिया। बट अगेन फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शन वी विल नॉट रिकमेंड इट। सो इन ऑल ऑफ दीज फाइव ऑप्शंस अगर आप हमसे पूछे तो वी वुड रिकमेंड यू द थर्ड ऑप्शन विच इज़ बुकिंग रिफंडेबल टिकट, बट अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली आ रहा है तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ बुकिंग अ डमी टिकट थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल्स इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एंड सेफेस्ट वे, बिकॉज ये आपका एक जेन्युइन टिकट होता है जिसकी वैलिडिटी आपको 72 hours से लेके 2 weeks तक की होती है एंड इट्स वेरी वैलिड। वीज़ा गाइज अगर चेक भी करते हैं दे आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी प्रॉब्लम विद द टिकट। सो दैट इज इट गाइज, होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको इसके बारे में और भी कोई सवाल है तो डू राइट इट इन टू द कॉमेंट बॉक्स, विल डेफिनेटली आंसर दैट। एंड ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप सो दैट कि ये और लोगों के पास पहुँच सके।